नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, वहीं भारत में भी कोरोना अभी तक पैर पसारे हुए है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम संगठनों ने इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वहीं हिंदू संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इसके अंदर गाय का खून मिला है, इस वजह से हम यह वैक्सीन नहीं यूज करेंगे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चक्रपाणी ने इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी भेजा है। स्वामी चक्रपाणी ने ज्ञापन में कहा है कि जब तक ये साफ ना हो जाए कि वैक्सीन किसी तरह से बनाई गई है या कहीं किसी व्यक्ति धर्म के खिलाफ नहीं है, तब तक इस वैक्सीन का भारत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना खत्म होना चाहिए और जल्द ही वैक्सीन भी लाई जाए, लेकिन इसके चलते अपने धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जब कोई दवाई या उत्पाद बनता है तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है या जानकारी दी जाती है, तो आखिर कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। हमको ऐसी जानकारी मिली है कि अमेरिका में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें गाय का खून का इस्तेमाल किया गया है। स्वामी चक्रानी ने कहा है कि सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, ऐसे में गाय के खून से हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है तो उससे धर्म को नुकसान पहुंचता है। सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर सालों से यह साजिश रची जा रही है, इस वजह से हम चाहते हैं कि कोरोना को लेकर अगर कोई वैक्सीन आ रही है तो इसके बारे में पहले पूरी जानकारी दी जाए, जब सारी बातें दूर हो जाएंगी उसके बाद ही वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाए। तो इस तरीके से स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।